नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी से भी इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बात की, आपको सुनाते हैं। देश में ऑक्सीजन के चलते कोई मौत नहीं हुई है, ये कहना है केंद्र सरकार का, और वजह बताई जा रही है तमाम वो राज्य जहां से इसके चलते मौतों की कोई रिपोर्ट सामने केंद्र सरकार के पास नहीं आई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, केंद्र सरकार कह रही है कोई भी ऑक्सीजन के चलते मौत नहीं हुई है, डेटा आपने भेजा है, आपने ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी, मध्य प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन के चलते? भारत सरकार ने जो भी जानकारी दी है, राज्यों से पूरे देश से जो उनको जानकारी उपलब्ध हुई है उसके आधार पर भारत सरकार ने अपनी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रात और दिन मेहनत की, टैंकरों की व्यवस्थाएं भी की, रोड मार्ग से ऑक्सीजन मंगाई, हम लोगों ने रेल मार्ग से ऑक्सीजन मंगाई, खाली टैंकरों को हवाई मार्ग से भी भेजकर पूरा ट्रैक, इवन ड्राइवरों से तक बात कर करके ऑक्सीजन की उपलब्धता पहुंचाने के लिए पूरे पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने व्यवस्था करने के लिए रात दिन मेहनत की। सवाल यहीं खड़ा हो रहा है, आपने ऑक्सीजन बुलवाई, टैंकरों से, ड्राइवरों से बात की, हरक्यूलिस से भी आए, तमाम एरोप्लेन से भी बुलाई गई, लेकिन उससे पहले के जो हालात थे, ऑक्सीजन की तब कमी थी, विकट कमी देखी हमने, लंबी लंबी लाइंस देखी, उसी के चलते तो मौतें हुई हैं, परिजन बिलखते हुए दिखाई दे, उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो वो जो मौतें थी जो परिजन कह रहे थे ऑक्सीजन के चलते हुई, उन पर क्या कहना है, उनको मौतों में कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया, दूसरे कारण क्यों गिनाए हैं आप लोगों ने? नहीं देखिए, जो भी है मेडिकल रिपोर्ट आती है किसी भी पेशेंट की, कोई भी अगर जो ठीक नहीं हो पाता है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, जो टीम होती है उसके आधार पर ही ये तय किया जाता है कि मृत्यु किस कारण से हुई है, ऐसी कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु की कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। पर डॉक्टर साहब, जैसा आपने स्वयं बताया बहुत प्रयास किए, हमने भी देखा, आपने भी बुलाए राउरकेला से, भिलाई से, जामनगर गुजरात से, यहाँ से भी आए, प्लेन की मदद से भी ऑक्सीजन बुलाई गई, ये तब बुलाई गई जब ऑक्सीजन का संकट देखा गया, तमाम जगह त्राही त्राही मची दिखाई दी, हमने शहडोल में देखा 12 से ज्यादा मौतें हुई, परिजन रोते रहे ऑक्सीजन की कमी से, जबलपुर में हमने देखा, भोपाल में दृश्य आए, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब परिजन बाहर रो रहे थे। इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली ये खबर की है तमाम अस्पतालों में जहां पर अस्पताल प्रबंधन लिखित ले रहा था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई, जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उन मौतों की मैं बात कर रहा हूं। नहीं देखिए, ऐसा है, ये बात हम सब जानते हैं कि अब अगर किसी भी के भी परिवार का व्यक्ति किसी भी कारण से अगर डेथ होती है तो निश्चित रूप से वो परिवार पूरी तरीके से दुखी होता है, और परिवार क्या, परिवार के अलावा सारा मानवता जिसमें है, प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उसको तकलीफ होती है कि किसी व्यक्ति की अगर किसी मृत्यु हुई, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता हम लोगों ने पूरी तरीके से की है, पूरे प्रयास करने के बाद सब जगहों पर अस्पतालों में भी जहाँ ऑक्सीजन आवर 10 घंटे की बचती थी, निश्चित रूप से अस्पताल भी और दूसरे लोग भी इस बात का अलर्ट करते थे कि साहब हमारे पास इतनी, तो उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था, एक जिले में अगर 10 घंटे की बची है तो दूसरे जिले से हम लोगों ने पहुँचवाई है, बाहर से मंगाई है, और पूरी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने करने की पूरी कोशिश की है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता ना हो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कहीं कमी नहीं आने दी है, पूरा प्रयास, दिक्कतें जरूर आई हैं लेकिन उन दिक्कतों को पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया है। उन्हीं मंत्री जी, उन्हीं दिक्कतों पर कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है, उन्हीं दिक्कतों की बात हो रही है कि आपने जो अस्पतालों में मौत हुई ऑक्सीजन की कमी के चलते, लेकिन जो सर्टिफिकेट दिया है वो कहीं कार्डियक अरेस्ट दिया है, कहीं दूसरा दिया है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री क्या आप मानते हैं या ऑफिशियल आपका स्टेटमेंट है कि कोई भी मौत, भले ही दृश्यों ने हमें दिखाया हो, लोग बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परिजन, इंदौर की महिला चिल्ला रही है उसके पति की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही है, बताओ स्वास्थ्य मंत्री आप मानते हैं? नहीं देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा है कि जब किसी की भी मृत्यु होती है तो परिवारजन और पूरे दूसरे भी आमजन उसमें दुख होता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।